इलाहाबाद की गलियों से निकलने वाला एक तांगे वाले का बेटा पहले इलाहाबाद का बड़ा गैंगस्टर बनता है और फिर पॉलिटिक्स में आता है और विधायक बनता है। उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर संसद तक जाता है, लेकिन जब उसके अपराधों का घड़ा भर जाता है तो धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने लगता है। वो शख्स जिसका नाम अतीक अहमद था, वो कई सालों से एक मर्डर केस में जेल में था, जिसने आज से 19 साल पहले 2004 में एक बयान दिया था कि अगर मैं मरूंगा तो या तो मेरा एनकाउंटर होगा यानी कि मुझे पुलिस मारेगी, या फिर कोई मेरी बिरादरी का सरफिरा ही मुझे मारेगा, लेकिन आखिर मैं सड़क के किनारे पड़ा ही मिलूंगा। 2004 का अतीक अहमद का दिया हुआ ये बयान साकार होता हुआ तब नजर आया जब उमेश पाल हत्याकांड सिलसिले में मेडिकल के लिए उसे और उसके भाई अशरफ को अस्पताल ले जाया जा रहा था प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में। जीप से उतरकर करीब 10 कदम चलने के बाद ही मीडिया कर्मियों ने अतीक और अशरफ को अपने सवालों के घेरे में ले लिया। ये दोनों मीडिया के सवालों के जवाब दे भी नहीं पाए थे कि तभी माइक और कैमरा पकड़े हुए तीन मीडिया वाले अचानक से अपने असली रूप में आते हैं। मीडिया के भेष में छिपे हत्यारे अपने ऑटोमेटिक पिस्टल चलाकर अतीक अहमद के सर पर लगातार फायर कर देते हैं। इसी दौरान उन्होंने और भी गोलियां चलाई और इस तरह अपराध के एक बहुत बड़े काम को अंजाम दिया। इससे कुछ दिन पहले ही अतीक अहमद के बेटे को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। तब से अतीक को ये डर था कि कहीं पुलिस उसका भी एनकाउंटर न कर दे, लेकिन इस बार पुलिस नहीं बल्कि पुलिस की ही मौजूदगी में तीन हथियारों ने अतीक अहमद को गोली मार दी। पुलिस ने मौके पर ही उन तीनों हथियारों को उनकी पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गोली लगने के कुछ समय तक अतीक अहमद जमीन पर पड़ा जिंदा तड़प रहा था और अस्पताल सामने ही था, लेकिन पुलिस वाले हमलावरों को ढूंढने अतीक की बॉडी को छोड़कर चले गए। अगर समय रहते उसे अस्पताल के अंदर ले जाया जाता तो शायद उसके बचने के चांसेस हो सकते थे। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि हम अतीक के लिए संवेदना प्रकट कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ बात अतीक की हत्या की सही या गलत की नहीं है, बल्कि अतीक से जुड़े कई ऐसे लिंक्स की है जिससे उत्तर प्रदेश में अपराध को पूरी तरह से खत्म करने में मदद मिल सकती थी। लेकिन पुलिस वाले अतीक को मरता हुआ देखते रहे और वो सारे लिंक्स अतीक के साथ ही खत्म हो गए। आपको बता दें कि जो लोग हमला कर रहे थे वो गोली चलाते हुए जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश में धार्मिक हिंसा न भड़क जाए इसके लिए योगी सरकार ने धारा 144 लागू कर दी है, जिसमें एक साथ सड़क पर चार या चार से ज्यादा लोग इकट्ठे खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं अतीक की बिखरी हुई गैंग अगर एक्टिव हो गई तो उत्तर प्रदेश में अपराध ज्यादा फैल सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर खड़ा होता है जिस पर आपका भी ध्यान गया होगा कि आखिर अतीक की हत्या करने वाले कौन है, उन्होंने अतीक की हत्या क्यों की और उसकी प्लानिंग कैसे की। तो सबसे पहले प्लानिंग से ही शुरू करते हैं। अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले तीन लोग जिनका नाम लोकेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य है, यही तीनों लोग हमले के लिए जिम्मेदार माने गए हैं। लोकेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मारने के लिए दो दिन पहले प्रयागराज पहुंचे थे। पुलिस को ये जानकारी खुद हत्या करने वाले हत्यारों ने ही पूछताछ के दौरान दी है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक लोकेश, सनी और अरुण इस हत्या को अंजाम देने से 48 घंटे पहले प्रयागराज आए थे और वहां रुकने के लिए होटल भी किया था। जिन होटलों में ये रुके थे वहां पुलिस ने पूछताछ भी की। कई होटलों में पुलिस ने देर रात छापेमारी की। कहा जा रहा है कि एक आरोपी पीठ पर एक बैग टांगकर घटना को अंजाम देने पहुंचा था, जबकि बाकी दो के पास सामान नहीं था। ऐसे में पॉसिबिलिटी ये है कि बाकी आरोपियों का सामान होटल में ही होगा और पुलिस को लगता है कि उस सामान में कोई ना कोई सबूत जरूर मिल सकता है जिससे इस मामले से जुड़े बाकी लोगों का पता लगाया जा सके, और ये भी पता चल सकता है कि अशरफ की हत्या के पीछे असली मकसद और हाथ किसका है। पुलिस कस्टडी में जाने के बाद इन तीनों से ही पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि वो एक बड़ा गैंगस्टर बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। ऐसे में उन तीनों हमलावरों का ये कहना है कि वो कई सालों से छोटी मोटी शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक बड़ा गैंगस्टर बनना था, इसलिए उन्होंने अतीक को मारकर लोगों के बीच अपना नाम पॉपुलर करने के लिए ये काम किया है और पकड़े गए और आरोपी अपना सच छुपाते हैं, जैसा कि साफ साफ नजर आ रहा है। आपने फिल्मों में भी कई बार ऐसे ही देखा होगा। पुलिस अभी भी इन तीनों के बयानों पर भरोसा नहीं कर रही है।
तीनों आरोपी प्रयागराज से बाहर के रहने वाले हैं। जांच में एक बात तो क्लियर हो गई है कि तीनों अतीक और अशरफ की हत्या के मकसद से ही प्रयागराज आए थे। खैर, इन सब के पीछे जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है वो ये कि पुलिस कस्टडी में किसी अपराधी को कोई ऐसे कैसे मार सकता है, और पुलिस तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाती है। ऐसे में तो पुलिस कस्टडी और उसकी सिक्योरिटी का क्या मतलब रह जाता है। ये बात तो आप भी समझते होंगे, लेकिन अतीक अहमद पर 100 से अधिक केस और अशरफ पर 52 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। ऐसे में अब ये सवाल जरूर उठता है कि पुलिस दोनों को एक ही हथकड़ी से बांधकर क्यों लाई थी। हत्या के वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पहले अतीक को गोली मारी जाती है, उसके बाद अशरफ भी जमीन पर गिरता है। अतीक पुलिस कर्मियों के बीच रुककर मीडिया से बात कर रहा था। आमतौर पर अंडर ट्रेलर कैदियों को पुलिस मीडिया से बात करने नहीं देती। पुलिस की लापरवाही के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए 17 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। लेकिन इस सस्पेंशन से क्या उत्तर प्रदेश पुलिस की खराब व्यवस्था का रिकॉर्ड बदला जा सकता है? आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी की पुलिस कस्टडी में रहते हुए मौत हुई हो। उत्तर प्रदेश में पुलिस कस्टडी में 2017 से लेकर 2022 तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है। लोकसभा में गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 2017 में 10, 2018 में 12, 2019 में 3 और 2020 में 8 और 2021 में 8 लोगों की पुलिस कस्टडी में मौत हुई है। ऐसे में यूपी में पुलिस कस्टडी की मौत को लेकर सवाल उठ चुका है और कई बार विपक्ष योगी सरकार को घेर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1966 में एक आदेश में कहा था कि पुलिस कस्टडी में हत्या हाइनस क्राइम है, क्योंकि भले ही कोई अपराधी कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना कर दे, अगर वो पुलिस कस्टडी में है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार और पुलिस की है। अगर संभावना की बात करें तो कुछ ऐसी बातें कही जा सकती हैं जो अतीक अहमद की हत्या के पीछे असली वजह हो सकती है। पहली संभावना तो ये है कि किसी ने पुरानी दुश्मनी के चलते अतीक की हत्या करवाई हो, क्योंकि साल 1979 में 17 साल की उम्र में अतीक पर हत्या का पहला केस दर्ज हुआ था। माफिया अतीक अहमद के खिलाफ जबरन वसूली, जमीन हड़पने, अपहरण और हत्या जैसे 100 से भी ज्यादा मामले दर्ज थे। पूरे यूपी में अतीक अहमद की दबंगई थी। अब ऐसे में आप सोच ही सकते हैं कि दुश्मनों की कोई कमी नहीं थी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस अतीक पर तेजी से कार्यवाही कर रही थी। अतीक का पूरा कुनबा बिखरा हुआ था, शूटर्स भागे हुए थे। ऐसे में किसी पुराने दुश्मन के लिए बदला लेने का सबसे बेहतरीन समय था। इसलिए ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी पुराने दुश्मन ने अतीक और अशरफ की हत्या करवा दी हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि राजू पाल मामले में गवाह उमेश पाल की हत्या 24 फरवरी को प्रयागराज में 7 शूटर्स ने की थी। यूपी पुलिस ने उनमें से 4 का एनकाउंटर करवा दिया है, लेकिन अभी भी 3 शूटर फरार है। उनका नाम है सब्बीर, गुड्डू मुस्लिम और अरमान। अतीक और अशरफ की रविवार रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऐसे में ये भी हो सकता है कि फरार सब्बीर, गुड्डू मुस्लिम और अरमान में से किसी ने शूटर्स के जरिए अतीक की हत्या करवा दी हो, ताकि पुलिस प्रेशर में आकर वो उनके बारे में कुछ जानकारी ना दे दे। कारण और पॉसिबिलिटीज तो बहुत हो सकती है, लेकिन अतीक की हत्या के साथ ही पॉलिटिकल बहस शुरू हो गई है। पुलिस पर प्रेशर इस समय इतना ज्यादा है कि अब वो फरार शूटर्स का एनकाउंटर करने से बचेगी, यानी तीनों फरार शूटर्स को इसमें सीधा फायदा होगा। इसके अलावा धार्मिक सौहार्द बिगड़ने के लिहाज से भी अतीक की हत्या करवाई जा सकती है, जिसकी पॉसिबिलिटी को देखते हुए सरकार ने पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी है। अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो इसमें अतीक अहमद का मरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पुलिस कस्टडी में उसका मारा जाना और वो भी कैमरे के सामने, ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही बड़ी बात होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा ही है तो उत्तर प्रदेश में बड़े से बड़ा नेता हर रोज मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता है। ऐसे में किसी रोज अगर किसी नेता के ऊपर कोई हमला कर देता है तो पुलिस की क्या जवाबदेही होगी, ये अपने आप में ही एक बड़ा सवाल है। आपकी इस मामले में क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।